हेलो, हाउ आर यू ऑल? दिस इज आरती मालपानी फ्रॉम टॉकिट्स। लास्ट टाइम हमने बात किया था बेसिक लाइफ स्किल्स का, जो हर बच्चे में होने चाहिए। उसी को एक्सटेंड करते हुए आज बात करेंगे सेफ्टी स्किल्स, जो हर बच्चे में होने चाहिए, हमने अपने बच्चों को बताने चाहिए, क्योंकि हर वक्त हम अपने बच्चों के आसपास तो नहीं होते उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। सो दे हैव टू बी देयर ओन। तो उनको बचपन से ये चीज अगर हम बताएंगे, समझाएंगे, तो उनको चीजें समझ में आ जाएंगी। सो वेरी फर्स्ट सेफ्टी स्किल्स की जब बात करते हैं, तो जो मेरे माइंड में सबसे पहली चीज आती है, दैट आर ऑल फोन नंबर्स। चाहे बच्चा 4 साल का हो या बड़ा, उनको फोन नंबर्स पता होने चाहिए, हेल्पलाइन नंबर्स, एम्बुलेंस, पुलिस, और आपके नियर एंड डियर जो आपके फ्रेंड्स है, अगर आपके घर में कोई इमरजेंसी हो जाता है, मेडिकल इमरजेंसी या कुछ भी, तो बच्चे को ये पता होना चाहिए कि हमारे नियर एंड डियर कौन है, हमारे फ्रेंड्स कौन है, मम्मी पापा के, जिनको हम रीच आउट हो सकते हैं। एंड इट्स नॉट लाइक कि ये नंबर आपके फोन में है और डायल हो जाएंगे। वी कैन नॉट ट्रस्ट टेक्नोलॉजी ऑल द टाइम। कभी सेलफोन बंद हो गया, कुछ भी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके घर में लिखे हुए होने चाहिए या आपके बच्चे को बाय हार्ट होने चाहिए। मम्मी पापा का फोन नंबर आपके बच्चे को बाय हार्ट होना चाहिए। सो दिस इज वेरी फर्स्ट थिंग। अब बात करते हैं एज अप्रोप्रिएट। लाइक 3-4 ईयर्स का बच्चा है तो ही शुड नो कि जो भी, ये बहुत जगह प्रॉब्लम होता है कि बच्चे अंदर से लॉक हो जाते हैं, फिर ताला तोड़ना है, और तो घर के जो भी लॉक सिस्टम है, बच्चे को पता होना चाहिए अगर लॉक हो गए तो उसको कैसे खोलना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर के जब बच्चे, छोटे बच्चे घर में होते हैं, तो उनको पता होना चाहिए, जैसे टॉयलेट क्लीनर है, नेफ्थलीन बॉल है, ये कितने डेंजरस है, ये हमको बच्चों को बताना है, उनके बारे में बात करनी है कि गलती से कंज्यूम हो गया तो क्या हो सकता है, तो बच्चे उससे दूर रहेंगे, और इवन भी अगर कुछ होता है तो आप उससे कैसे अपने आप को सर्वाइव करोगे उसमें। तो ये चीजें आपको बच्चे को बतानी है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट चीज की इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक शॉक, अगर कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता है या कुछ भी होता है, आयरन करते वक्त शॉक लगता है, तो जो भी है वो बच्चों को आपने बताना चाहिए कि हाउ मच, कि ये कितना डेंजर हो सकता है और इमीडिएट एक्शन आप क्या ले सकते हो इस पे, कि स्विच बंद करना है, जो भी है वो सारी चीजें इन डिटेल हम ये छोटे वीडियो में नहीं बात कर सकते, बट आपको पता है कि बच्चे को कैसे समझाना है, तो ये चीजें आपने बच्चे को बतानी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फायर। फायर सेफ्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि गैस के साथ कैसे डील करना है, कितना डेंजरस हो सकता है, मैच बॉक्स कैसे चलाना है, लाइटर, गैस का बटन नीचे से भी ऑफ करना है, ये सारी चीजें बच्चे को आपने बतानी ही बतानी है। और छोटे बच्चे रहे साथ में, तो नाइफ सेफ्टी भी उनको बताना है कि चाकू यूज करते हैं तो ये कितना डेंजरस हो सकता है। सो दीज आर द बेसिक स्किल्स जो घर में है आपके, या कोई स्ट्रेंजर आपके एब्सेंस में, बच्चा अकेला है, स्ट्रेंजर आता है, तो उससे कैसे डील करना है, ये भी आपको अपने बच्चे को बताना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज आती है रोड सेफ्टी। जब आप बच्चे के साथ जाते हैं तो बच्चे को बताना है कि कैसे रोड क्रॉस करना है, जेब्रा से कैसे जाना है, कैसे वेट करना है, कौन से साइड में रोड से चलना है, ये सब बातें आप जब बच्चे को बाहर लेके निकलते हैं तो उनको साइमल्टेनियसली समझाते रहनी है आपने। दूसरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो सबके लिए, सारे एज ग्रुप के लिए है, दैट इज द साइबर सिक्योरिटी, और आप बोलेंगे कि डिजिटल सिक्योरिटी, बिकॉज कि 4-5 साल के बच्चे भी नॉन स्टॉप फोन देखते रहते हैं आजकल, तो उनको सिर्फ हम ये जब बोलते हैं कि फोन मत देखो, इट कुड बी डेंजरस, तो वो नहीं समझते। जब आप उनको सही में वीडियोस या फोटोज दिखाओगे, नेट पे सब कुछ अवेलेबल है, कि ज्यादा फोन देखने से कैसे आंखें खराब होती है, कैसे प्रॉब्लम आते हैं, स्पेक्स लगते हैं, तो बच्चे समझ में आएंगे, बच्चों को जल्दी समझ आएगा। उसके बाद जब टीनेजर है, तो साइबर सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि यू हैव टू कीप आई ऑन योर टीनेजर साइबर एक्टिविटी, की वो सोशल मीडिया पे क्या क्या अकाउंट है, आपको पता होने चाहिए उनके। साथ में बच्चों को बताना है कि आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो यू शुड नॉट पोस्ट एवरी टाइम, ये स्टेटस डालना, पोस्ट करना, ये बहुत ट्रेंड में रहता है, या आप घर पे अकेले हो तो यू नीड नॉट टू पोस्ट एवरीथिंग अबाउट यू। ये सारी चीजें बच्चे से आपने टीनेजर से बात करनी है, बिकॉज दिस कुड बी वेरी वेरी डेंजरस। अदर इंपॉर्टेंट थिंग कि टू बी वेरी सिक्योर अबाउट देयर बॉडी, कि कैसे स्ट्रेंजर से बात करनी है, या आपकी बॉडी को कोई टच नहीं करे, ये सारी चीजें भी आपने बच्चे को समझानी है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बहुत बार बच्चे सीक्रेट मेंटेन करते हैं, कि होता है मस्ती मजाक में बच्चे सीक्रेट्स रहते हैं बच्चों के फ्रेंड्स में आपस में, बट आपको बच्चे को बहुत फ्रेंडली होकर ये चीज बतानी है कि ऐसा कोई भी सीक्रेट आपके पास है और आपको लग रहा है, जिससे आपको डर लग रहा है कि नहीं ये कुछ डेंजर हो सकता है बाद में, या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो हमसे डिस्कस कीजिए, वी आर योर फ्रेंड्स। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जो
सिक्योरिटी है, बच्चों का जो सेफ्टी है ये हमको ध्यान में रखना ही है और टाइम टू टाइम उसको अपग्रेड करते रहना है, बच्चों को बताते रहना है। एक बार जब आप बच्चों से बात करना इसमें शुरू करेंगे तो बच्चे अपने आप ही आपसे खुल के बात करेंगे और नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहेंगे। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू, बाय बाय।